नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिन्मय चिन्मय गौड़ और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं वायलिन के इस नए लेसन में। और आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही खास तकनीक जिसे प्रोफेशनल वायलिन प्लेयर्स जो है यूज करते हैं। बहुत मीठी लगती है, बहुत काम की तकनीक है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए लेसन को शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारा साथ यूं ही बना रहे तो जाइए, लाल बटन को दबाइए और सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे वीडियो आप तक सबसे पहले सही समय पर पहुंच जाए। मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने अपने वायलिन को सी स्केल में ट्यून कर रखा है। पसा पसा ट्यूनिंग के बारे में, सी स्केल क्या होता है, पसा पसा ट्यूनिंग क्या होता है, जानकारी नहीं तो घबराइए मत, ऊपर आई बटन को क्लिक करिए। मैंने हर जानकारी दे रखी है, हर लेसन बना रखे हैं। अच्छी तरीके से देखिए, समझिए, सीखिए, प्रैक्टिस करिए, फिर यहाँ पे आइए। आज मैं आपको जो तकनीक सिखाने वाला हूँ वो बड़े काम की तकनीक है, उसे कहते हैं आकार। क्या कहते हैं? आकार। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, समझे ना। तो जो मेरे चैनल का थीम म्यूजिक है, मैं उसको बजाने वाला हूं दो तरीकों से। आपको कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। ये था पहला तरीका। तो आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। अब अगर कोई कहता है कि आपको सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नी नी सा सा वायलिन पे बजाना है, तो आप कैसे बजाएंगे? ठीक है ना, सही बजाया। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपको यही फ्रेज बजाना है बिना बो को काटे, बिना बो को ऐसे चेंज किए, तो फिर आप उलझन में पड़ जाएंगे कि ये कैसे करेंगे, लगातार बो के साथ ये ऐसे फ्रेजेस कैसे बज सकते हैं। तो चिंता ना करें, उसी तकनीक का नाम है वायलिन पर आकार। वैसे आकार जो है, गायक लोग जो है आपने सुना होगा कि गाते हैं कि ऐसा आ करके कुछ गाता है ना, तो वैसे ही हमें हमारा वायलिन गाएगा, ठीक है। वायलिन भी गाता है, वायलिन भी हंसता है, वायलिन भी चिल्लाता है, वायलिन भी रोता है। चलो बहुत हो गई फालतू बातें, अभी काम की बात। आपने बजाया, ठीक है ना। अब इसको कंटिन्यूस बो के साथ करना है तो और भी अच्छा बज सकता है, अगर हम खूब रियाज करें, खूब प्रैक्टिस करें तो। समझ गए ना आकार क्या होता है। वायलिन की बात करें तो बो लगातार चलनी चाहिए और सुर सेम सुर जो है वो रिपीट भी होने चाहिए। अब कैसे करेंगे तो वो सीख लो। सबसे पहले अपने वायलिन को सही ट्यूनिंग में ट्यून कर लेना, है ना। मैंने सी स्केल में पसा पसा में ट्यून कर रखा है। अभी हमने सा प्ले किया तो हर सुर के पीछे वाले नोट्स को आपका सहारा लेना है। मान लो अगर फ्रेज है सा 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 सा, इसका हमको आकार करना है, है ना। तो क्या बनेगा? सा आ आ आ, तो सा आ आ आ, मतलब नी से यूज किया है हमने। सा का जो उपयोग किया है वो नी से किया है, तो निसा निसा निसा। लेकिन आवाज ऐसी नहीं आनी चाहिए कि ये नहीं आनी चाहिए। क्या होना चाहिए? वो स्पीड रोकनी चाहिए ना, वो टाइमिंग का खेल है। तो वापस देखना ध्यान से, सा 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 आ आ आ, ठीक है। ऐसे ही रे के लिए हमको सा यूज करना है ओपन, तो रे 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 रे। ऐसे ही फिर ग के लिए रे यूज करना है, पीछे वाला ग ग ग ग ग ग, है ना। फिर म यूज करना है ग के, म के लिए ग यूज करना है, गमा 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 गमा। लेकिन पीछे वाले सुर का स्ट्रॉन्ग आवाज नहीं आना चाहिए, केवल सहारे के यूज में यूज करना है।
प के लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। प को ऐसे भी कर सकते हैं, जिनने ये छोटी वाली फिंगर अच्छे से तैयार कर रखी है, अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है, वो इससे भी कर सकते हैं। पमा है ना, ये पमा 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 मापा 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 स्पीड से करना है, ये नहीं तो एक जुगाड़ बता रहा हूं। जुगाड़ क्या है? प द से करना, उसको ऊपर वाले नोट से। वैसे इससे करना ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेना है इसको, लेकिन अगर कहीं परफॉर्म करना है अभी इन दिनों में, तो क्योंकि देखो हमको रियाज करना पड़ेगा, है ना, अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और अगर रिस्क लेंगे तो बिगड़ सकता है, इसलिए हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये हल्का सा ध का सहारा, ये है ना, फिर ऐसे ही नी के लिए ध और सा के लिए नी, इसी को ही अवरोह में भी रिपीट करना है। आरोह अवरोह का मतलब पता है ना, आरोह मतलब आरोहण चढ़ना, अवरोह मतलब अवरोहण उतरना, कहाँ चढ़ना कहाँ उतरना, तो सुर का चढ़ना सुर का उतरना। तो सारे गमा पधा नी सा ऐसे जा रहे हैं, सारे गमा पधा नी सा, फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है तो आरोहण हो गया, आरोह कहेंगे। फ्रिक्वेंसी घट रही है तो सा ने धा प मा ग रे सा, तो अवरोह कहेंगे। तो अवरोह के अंदर भी सेम टेक्निक है, सा के लिए नी, नी के लिए ध, ध के लिए प। अब मैं करके दिखा रहा हूं एक बार स्लो। ये था आकार का लेसन नंबर वन। मैं आपके लिए लेसन नंबर टू भी लेके आऊंगा, लेकिन लेसन नंबर वन को ही करने में बहुत टाइम लग जाता है, इतना आसान नहीं है। और एक बात और सुन लो, स्टूडेंट्स के लिए जो है सोचते हैं कि भाई लेसन को देखने से हम लेसन को प्रैक्टिस कर लेते हैं, हो सकता है कि मेरे माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन मिल गई हो, ठीक है। इंफॉर्मेशन तो कहीं से मिल सकती है, सही इंफॉर्मेशन कुछ कुछ जगहों से मिलती है, लेकिन उस सही इंफॉर्मेशन का करोगे क्या? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना ढंग से। तो जाओ प्रैक्टिस करो, सिंसियरली प्रैक्टिस करो, मुझे अपडेट दो, मुझे रिपोर्ट दो, कैसा चल रहा है, कमेंट सेक्शन में जाके पूछो कोई भी डाउट हो तो। बहुत सारे लेसन बना रखे हैं, मीन का भी लेसन बना रखा है, इसका भी लेसन नंबर टू, इसका लेसन नंबर टू जल्द लेके आऊंगा, और साथ में बेसिक का जो है बेसिक वायलिन की सीरीज वापस बनाऊंगा एचडी के अंदर, बहुत ही अच्छे ऑडियो के साथ, बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, बहुत ही अच्छी तरीके से, ताकि आपको मेरी फिंगर्स भी बहुत साफ साफ दिख जाए। तो बहुत जल्द मिलेंगे, लेकिन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मेरे इन कवर्स को जरूर देख लेना, और हमेशा की तरह मैं जो बोलता हूँ वो बोलना है। मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, जय हिंद और जय भारत।